नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। 26 जनवरी के दिन जिस तरह से कुछ किसान उपद्रवियों ने बवाल काटा, उस घटना की पूरे देश में कड़ी निंदा हो रही है। जिस तरह से किसानों ने लगभग 300 पुलिस कर्मियों पर हमला बोला, उसे देख कई लोगों का कहना है कि ये काम किसानों का तो हो ही नहीं सकता। जो किसान अपना खून पसीना बहाकर देश के लोगों का पेट भरता है, वो किसी का खून कैसे बहा सकता है। तो इसी के चलते कई किसानों ने भी उस बवाल के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके चलते इस घटना के बाद किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली घटनाओं को जहां किसान नेता खुद गलत मान रहे हैं, वहीं किसान भी लाल किले पर तिरंगे से अलग झंडा फहराने से काफी नाराज है। इसलिए हरियाणा के किसानों ने मंगलवार की रात से ही घर वापसी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों के वापसी लौटने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, जहां आज से कुछ हफ्तों पहले नेशनल हाईवे 44 पर करीब 60,000 ट्रैक्टरों के साथ 2,00,000 किसान डटे थे, वहीं अब हाईवे पर 10,000 से कम ट्रैक्टरों के संग किसान बचे हैं। अभी किसान वापसी लौटने में लगे हैं, ये देखते हुए किसान संगठनों के नेता भी उन्हें रोकने के लिए जुटे हुए हैं। तो वहीं अब उन्हें रोकने के लिए मंच तक से अपील करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां हरियाणा व दिल्ली के करीब 60,000 ट्रैक्टर के अलावा 2,00,000 किसान जमा थे। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में दिल्ली के अंदर बवाल हुआ और लाल किला पर किसी धर्म विशेष का झंडा फहराया गया, उससे किसान व आम आदमी के बीच एक गलत संदेश गया है और उसका असर अब आंदोलन पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। नेशनल हाईवे 44 पर जहां मंगलवार को पैदल चलने तक की जगह नहीं थी, वहीं केजीपी और केएमपी से आगे तक बुधवार सुबह को नेशनल हाईवे खाली हो गया। इस दौरान ज्यादातर वो किसान वापस घर जा रहे हैं जो केवल परेड के लिए आए थे। वहीं अब तो पहले से धरना स्थल पर जमा कुछ किसान भी वापसी जाने लगे हैं। किसान नेताओं को खुद भी लगता है कि जिस तरह से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है, उसका असर कहीं ना कहीं आंदोलन पर भी गलत प्रभाव डालेगा। इसलिए अब किसानों को घर वापस जाने से रोकने के लिए किसान संगठन जुटे हुए हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने केएमपी और केजीपी गोलचक्कर के पास कुछ किसानों को रोकने की काफी प्रयास किया, लेकिन वो दोबारा वापस आने की बात कहकर पंजाब के लिए निकल गए। इसके अलावा कुंडली बॉर्डर पर बने मुख्य मंच से किसान नेताओं को लगातार यही अपील की जा रही है कि किसान घर वापस ना जाए। यहां तक कि यह भी कहा गया कि जितने भी किसान धरना स्थल पर मौजूद हैं, वे अपने परिजनों और जानकारों को वापस जाने से रोकें। तो वही कुंडली बॉर्डर पर कुछ किसान अपने परिवार वालों के साथ डेरा डाले हुए हैं, तो वही कुछ किसान अकेले भी यहां पर आए हुए हैं। ऐसे में पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों के किसानों के पास अब घर से भी फोन आने लगे हैं। उनसे जहां दिल्ली की घटनाओं को पूरी जानकारी लेने के साथ ही घर वापसी आने के लिए कहा जा रहा है। धरना स्थल पर डटे काफी किसानों पर परिवार वालों का दबाव आने लगा है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन को परे रखते हुए घर वापस जाना पड़ रहा है। उधर बुधवार यानी कि 27 जनवरी की सुबह टीकरी बॉर्डर पर वो किसान जमा रहे जो लंबे समय से आंदोलन में भाग लेने के लिए आए थे। टीकरी बॉर्डर के अलावा रोहतक बाईपास पर भी किसानों के ट्रैक्टर व ट्रॉली अपनी पहले की तरह खड़ी हुई है अपनी जगहों पर। किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर जो निर्णय लेगा, उसी का वो सब पालन करेंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको सही लगता है कि किसानों को वापस जाना सही है या गलत? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।